ये दुख क्यों मांग रही है? कहने प्रभु दुख इसलिए मांग रही हूँ, दुख में तेरी याद करवाया, दुख में तेरा नाम सिमर तो होगा, दुख में तेरा भजन तो होगा। और ये सच बात है, कोई शक वाली बात नहीं है। जब महाराज जी शारीरिक रूप से हमसे थोड़ी दूर हुए तो उस समय ऐसा लगता था दुख का पहाड़ टूट गया। दिन रात एक ही यार, लेकिन उस समय प्रभु ने एक चमत्कार क्या कहा, जब ये भजन सामने आया ना तो वो बात ही याद आ गई। क्या छंद मालिक ते डोरा तू क्यों डोलदा है, एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है, एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा, एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है। क्या कहते हैं, यदि तुमने उसको डोर दे दी ना, ये बहुत बड़ा सत्संग है, देखो देखो तो सही। कहते बड़े दोन सब हो रहे हैं, जन्मदिन हम सबका आता है, हम बड़े खुश भी होते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, है? लेकिन साथ में परमात्मा में क्या ज्ञान दे रहा है कि तेरे श्वासों की माला कम होती चली जा रही है। अब अपना नाम सिमरन ज्यादा कर ले, प्रभु की तरफ ध्यान ज्यादा कर ले। क्यों? क्योंकि जो सांस निकल गए वो वापस नहीं आएंगे, जो हमने सांस ले ली है ना वो वापस नहीं आएंगे। अब तो आगे 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 जाना। उसने कितना सुंदर बोला, चाहे 2 साल जी ले चाहे 100 साल जी ले, आपके सबकी एक ही बात। लेकिन हम तो प्रभु के आगे एक ही चीज मांगते हैं, प्रभु तेरा दरबार हरिया भरिया रहे और तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद, तेरी बख्शीश इस दरबार से बनी रहे और हर घड़ी हर पल तुम्हें यही नजर आता रहे। और प्रभु आखिरी दम तक भी तेरी सेवा करते करते ये श्वास निकल जाए तो कोई परवाह नहीं, आखिरी दम तक। कहते जो हमने प्रभु से मांगा यदि हमें ये मिल जाए तो आप सोचो हमारा जीवन धन्य है, धन्य से भी धन्य है कि प्रभु तेरा सिमरन करते हैं ना। सेवा सिमरन करके आसा उमर बितानी, त्वाडी बनी रवे कृपा, सेवा सिमरन। कहना जो दो चीजें सानू जीवन जो मिली जाना तो समझो साढ़े ते कृपा ही करना है। कहना यदि वो मेरे साथ हो गया ना फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और मेरा प्रभु कहता क्या कहता है, छंड मालक ते डोरा तू क्यों डोलाए, एक रास्ता बंद होगा चार रब खोल दे, एक रास्ता मार्ग होता चार रब खोल दे, एक रास्ता बंद Yeah.
लकड़ी पे खोद एक रास्ता पकड़ा जा रब खोद एक रास्ता प्रभु होर मेरे वास्ते करेगा अच्छा ही करेगा, खाली अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेगा। अपने मालिक पे इतना विश्वास रख। तू चाहे सब मेरा पर ओदी मर्जी इंसान की हवस कदे खत्म नहीं होती। ध्यान रखना वड्डे वड्डे साधु संत फकीर आखरी इन चीजा च फस गए। इस चीज को मुकान वास्ते तो नाम जपनिया कि प्रभु जितना भी नहीं उतना नहीं जिसे च मेरी पढ़ाई, प्रभु उतना नहीं जिसे विच तू मेरे नाल रवे। अलग चाहिए भाई अपना मोबाइल बाहर लै जाओ। कहना उतना नहीं जिसे विच मेरी भलाई होवे, क्योंकि ये एक माया होती है। मन लगने भी देर बीच में जाते हैं। कहते जब हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, चाहे 10 बैठे हो, चाहे 20 बैठे हो, चाहे 50 बैठे हो, साइलेंट हो जाए, ध्यान लग जावे, तो आप सोच लेना प्रभु हमारे बीच में आ गया है। भगवान कब आता है? जब हमारा मन शांत होता है और जब हमारा मन उसमें रम जाता है। जब हम ये कह देते हैं प्रभु तू मेरा है, मेरी माँ भी सामने बैठी है, माँ सब कुछ सुन रही है, मेरे सतगुरु सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, उन्होंने को कुछ छुपया नहीं होया। कहते संसार में ठगी कर सकते हैं, रब नाल ठगी कभी नहीं कर सकते। संसार के झूठ बोल सकते हैं लेकिन रब अगे झूठ नहीं चलता। तू चाहे सब मेरा पर ओदी मर्जी है, तू चाहे सब मेरा पर ओदी मर्जी है, सब रिश्ते गरज दे थे सब फर्जी। कैसे रिश्ते गरज गरज दे मतलब दे, ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना हमारे सब मतलब के हैं, सब फर्जी है, फर्जी काम होते हैं। आज मेरे नाल कोई काम है मेरे नाल रिश्ता है। कहते हैं जब स्वार्थ होता है ना तो सामने वाले की मानी बदली होती है। कभी भी ध्यान देना, जो कल मेरे से बैर करता था आज मेरे से मीठी मानी बोल रहा है, इसका मतलब इसका कोई स्वार्थ है। एक छोटा बच्चा भी है ना, जब माँ से कुछ लेना होता है माँ की गोदी में जाकर बैठ जाता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, 10 बातें करता है। थोड़ी देर बाद कहता है मुझे ये चाहिए है? और माँ भी इतनी भोली होती है, उसके प्यार में डूब जाती है। वो एक बार मुझसे कहते थे अच्छा भी दे दूँ, तब बच्चा बाप करके बैठ जाता है। और भगवान से भी हम ऐसे करते हैं, लेकिन भगवान कितना है। कहते भगवान दयालु है लेकिन कठोर भी है, वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है, ये ध्यान रखना।
कहते हैं वो प्रेम के भाव में आकर हमारा प्रेम देखकर हमें दे देता है, लेकिन जब हमारा प्रेम निकल जाता है तो वो ले भी लेता है। ये ध्यान रखना, हमने क्या लेना है, हमने उसका प्रेम लेना है, हमने उसका विश्वास लेना है। तो क्या कहते हैं, तू चावे सब मेरा पर होगी मर्जी है, सब रिश्ते गरज दे थे सब फर्जी है, सब रिश्ते गरज दे थे सब फर्जी है, वो होते नहीं रहता जिथे तू बोलता है, कहते प्रभु को आगे क्या कहते हैं, छद दुनिया में आया दर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रखना, छद दुनिया में आया दर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रखना, छद दुनिया ओ छद दुनिया में आया दर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रखना, छद दुनिया में आया दर तेरे संसार दे विच जिन्नू भी मैं अपना बनाया उन्हें मैंने धोखा दिया। फिर मैं की क्या, मेरे प्रभु ने जो जो किया, जो मेरे प्रभु ज्ञान देते सी जो दो गल सामने आती ना, मैं कहंदा वाह जमाने तेरा शुक्रिया, तूने ठोकर लगाई मुझे तेरी बदौलत मिलता रहे। कहंदा हम प्रभु से दूर कब होंगे, जब हमें संसार अपना प्यार ज्यादा दिखाएगा, जब संसार हम अपने प्यार के जंजाल में पकड़ लेगा, प्यार के जंजाल में फंसा लेगा। आप कभी भी देखना, जितना ज्यादा परिवार में खोएंगे ना, परिवार के जाल में फंसेंगे, उतना हमारा इधर से कम होता चला जाएगा, क्योंकि उधर फंस जाते हैं ना। लेकिन फिर प्रभु कहते हैं ये क्या हो गया है? आया थे मेरे वाले सी चल किधर गया है? आया थे मेरी भक्ति करन सी करो से चल के आया, मैं मंदिर जा रहा, मैं गुरुद्वारे जा रहा, मैं गुरु के घर जा रहा, लेकिन अब क्या किसकी लग गया। कहते फिर प्रभु ऐसे ठोकर मारता है, फिर असि की कहते हैं अरे भाई मेरा तो मन इकट्ठा हो गया, मेरा मन टूट गया, मैंने संसार में देख लिया, मन टूटा नहीं मन खट्टा नहीं हुआ, ये सारा खेल मेरे प्रभु कर जाए होगा। तो क्या कहते हैं फिर, हम क्या कहते हैं जब दुनिया से ठोकर मिलती है ना, फिर कहते हैं छंड दुनिया में आया कर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रखना, छंड चलन हनेरिया, लग दुखानिया चलन हनेरिया,
जान
ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ ਜੇ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਰੋਲੀ ਨਾ ਹੈ ਹਮ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਮੰਗਦੇ लेकिन ये नहीं पता दुनिया से मान मिलेगा उसके दरबार में क्या मान है जिसने हमें नेता बनाया कहते हैं एक ही तो दर है हम सबका झुकने के लिए यदि वहां ना झुके तो कहां जाना है तो इसलिए फिर बाद में क्या करता है ओ चट दुनिया में आया डर तेरे प्रभु की मेरी लाज रतना चट दुनिया में आया डर तेरे ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ।